हडाली का छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं तो वो दो लफ्जों में ये है कि हडाली दोस्ती और दुश्मनी दोनों बहुत ईमानदारी के साथ निभाता है। सनी साहब का रंग उड़ रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है। देखो ये चढ़ा दो बैठा उनका, ये उतर नहीं रहे। माशाल्लाह से चार कनाल की ये हवेली है और इसमें कवर्ड एरिया जो है वो हमारा बिल्कुल थोड़ा सा है, 6-7 रूम्स बनाए हुए हैं जो अपनी जरूरत के मुताबिक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सुल्तान वाली और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। आज आपका भाई पहुंच चुका है जिला खुशाब हडाली में। हडाली मेरा होम टाउन है, अबाई गांव है, बाप दादा का बेसिक घर मेरा हडाली में है। हम लोग पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में कहीं भी जाके सेटल्ड हो जाए लेकिन वापस एंड ऑफ द लास्ट यही है कि हमने हडाली ही आना है। हमारा कोई भी रिलेटिव, कोई भी प्यारा अल्लाह को प्यारा हो जाए या इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो उसकी आखिरी आरामगाह जो है वो भी हडाली में ही होती है। तो ये एक हमारे जहन में बात बिठा दी गई है कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाएं एंड ऑफ द लास्ट आपने आना हडाली में ही है। ठीक है, हडाली का इंट्रोडक्शन ये है कि हडाली ने पूरे पाकिस्तान को बहुत से नामवर लोग दिए हैं, बहुत सी शख्सियात हडाली में ऐसी हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में नाम बनाया। इसके ऊपर एक अलहदा सा व्लॉग बनेगा, बहुत लंबी हिस्ट्री और स्टोरीज हैं। लेकिन अगर मैं आपको हडाली का छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं तो वो दो लफ्जों में ये है कि हडाली दोस्ती और दुश्मनी दोनों बहुत ईमानदारी के साथ निभाता है। इनकी मिसालें कायम हैं, अगर आप दोस्तियां देखें तो दोस्ती भी इन्होंने अखीर की निभाई होती है, दुश्मनी भी ये अखीर की निभाते हैं। ऐसे ही है, शॉर्ट वर्डिंग में अगर आपको बता दूं कि हडाली ईमान समझता है, जैसे लोग ईमान की बात करते हैं ना, दोस्ती और दुश्मनी या ईमानदारी के साथ निभाते हैं। तो आपको हडाली का विजिट भी कराता हूँ, दिखाता हूँ कि हडाली किस तरह से है और हडाली का कल्चर क्या है, ये आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। हडाली का कब्रिस्तान, ये मेरा आबाई कब्रिस्तान है, यानी कि जितने भी रिलेटिव्स हो गए, दादा मेरे, नाना, सब की आखिरी आरामगाह यहीं पर मौजूद है। ये मेरे दादा बू की कब्र है, मलिक सुल्तान महमूद बाली, इनके नाम पर मेरा नाम रखा गया था। और ये मेरी परदादी हैं, जट्टी माँ, ये मेरी दादी माँ जैनब खातून, ये मेरे चाचा की कब्र है और ये मोहम्मद फकीर गुलाम बाली, ये मेरे दादा बू के भाई हैं। ये हैं जी मलिक मोहम्मद परवेज, ये हैं मेरी दादी माँ के भाई। और ये दादा बू के भाई की आखिरी आरामगाह। ये पूरी जो बाउंड्री वॉल है इसमें सिर्फ हमारे क्लोज खानदान के जो हैं उनकी हैं आरामगाह। हडाली के इस कब्रिस्तान में आपको ख़ास चीज़ एक ये मैं दिखाने लगा हूँ कि यहाँ पर जो शहीद कुरान पाक और हदीस मुबारक है ना, यहाँ पे दफन है। ये उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी है और उन्होंने ये जगह भी दी हुई है कि कुरान पाक को दफनाने के लिए ये स्पेशल एक जगह बनाई गई है ताकि बेरुमती ना हो
और ये मैंने आज तक जो है किसी भी कब्रिस्तान में ये चीज नहीं देखी कि उन्होंने स्पेशल बाउंड्री बनाकर गेट भी लगाया और इतने एहतराम के साथ कुरान पाक को दफन करते हैं ताकि कहीं भी बरूमती ना हो सके। वरना दूसरे शहरों या किसी भी जगह पे पाकिस्तान में मैंने ये सिस्टम नहीं देखा कि कुरान पाक के लिए स्पेशल कोई इस तरह की जगह बना दी जाए जहाँ पे दफनाया जाए। तो हडाली को ये एजाज भी हासिल है कि यहाँ पे भी हडाली एक कब्रिस्तान नंबर ले गया है कि इतनी अच्छे जो इंतजामात इंतजामिया और इतनी अच्छी लोगों की सोच है कि हर चीज को बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया हुआ है एहतराम के साथ के इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ के हम लोगों ने अपने वर्षा की कब्रों का तो ख्याल रखना ही रखना है लेकिन हमने दीन इस्लाम कुरान पाक इन चीज़ों का भी सबका एहतराम करना है इज्जत करनी और अपने आने वाली नस्लों को बता कर जाना है कि ये हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस है। इनके लिए भी हर कब्रिस्तान में कुरान पाक को भी दफनाने के लिए एक अच्छी सी जगह बनाई जाए जिसमें कुरान पाक की बेरूमती ना हो। हडाली कब्रिस्तान में अम्मा बुढ़ाई की भी कब्र मौजूद है। ये एक बुजुर्ग थी हडाली वाले इनके कब्र पर यहाँ पे दिए जलाते हैं मोमबत्तियाँ और थोड़ा सा जिस तरह से वो दरबार टाइप का जो लुक होता है वो यहाँ पर आके फील होता है। हडाली में इस कब्रिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं दफन हैं जिन्होंने हडाली का नाम पूरे पाकिस्तान में रोशन किया है। हडाली पूरे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया कि हडाली भी एक जगह का नाम है जो पाकिस्तान में मौजूद है। मोहम्मद चिराग वाली हडाली के नामवर शख्सियत में इनकी डिटेल्स जो हैं इन पे अलहदा से मैं व्लॉग बनाकर आपको बताऊंगा कि चिराग वाली आखिर कौन था और हडाली में इतना बड़ा नाम जो पूरे पाकिस्तान में जाना जाता है और इनके नाम पर एक मूवी भी बन चुकी है चिराग वाली। इनकी स्टोरी पूरी जो है वो मैं आपके साथ एक अलग से व्लॉग में शेयर करूँगा। और यहाँ पर ये मेरे नाना बू की कब्र है मलिक मोहम्मद अली डीएसपी हैं। ये इनकी आखिरी आरामगाह है। डाली की एक खास बात यह है कि यहाँ पर कब्रिस्तान भी एक ही है और ईदगाह भी एक ही है जनाजा गाह भी एक ही है। यहाँ पे ये इत्तफाक ज़रूर आपको देखने को मिलेगा जो पाकिस्तान के बाकी शहरों में या गांवों में देहातों में ये नहीं है। सिर्फ एक हडाली वाहिद शहर है जिसका ईदगाह जनाजा गाह और कब्रिस्तान एक ही है। बाबा शादे खान का दरबार हडाली में मौजूद है हडाली कब्रिस्तान। एक शहीद की कब्र मौजूद है यहाँ पर हडाली ने पूरे पाकिस्तान में कुर्बानियां देकर अपना नाम पैदा किया है। यहाँ पर शहीद भी मौजूद हैं इस कब्रिस्तान में। है ये ईंटों की जो बनी हुई है इसमें क्या चीज है? इसमें भी कब्रें हैं। कब्रें कोई कदीम जमाने की? बहुत कदीम जमाने की। किसकी है कब्रें? ये तो मुझे इल्म नहीं है। अच्छा तो इसको बंद क्यों किया हुआ हर तरफ से जो है इसको? ये वैसे ही उन्होंने बंद किया है उस पतली साइड है मेरे ख्याल इसका रास्ता। अच्छा वो जो द्वार वाली साइड पे है अंदर जाने का है रास्ता? नहीं भाई बंद है ये हर तरफ से बंद है। ये कपड़ी लगी है ये ऊपर कुछ लिखा हुआ है मलक जहान मुकाम मलक जहान खान साहब
तो ये जबरदस्त एहसान करदार अब आगे से टूटा हुआ, ये बड़ी कोई पुरानी कोई तारीख इन्होंने लिखी है। हाँ जी, तो ये इनके जो वारिस थे उन्होंने इस तरह से कर दिया ये अडाली के कोई। ये बहुत सदियों की है जी, ये पहले ही किसी ने बनाई थी, पहले पता नहीं बनाते उस तरह होंगे, पहले इसी तरह बनाते थे ना छांव छांव के लिए धूप ना हो। लेकिन ये है ना कि अंदर किसी के जाने की तो जगह होनी चाहिए। अब ये पता नहीं है इसमें एक कबर है, दो है, तीन है। ये तो बंद इसलिए किया है ना ताकि अंदर कोई इसके अंदर जाए नहीं, इधर माल मवेशी भी होते हैं ना वो भाई फिर कब्रिस्तान हो कब्र को, क्योंकि ये बहुत करीम है ना। आप यहीं पर होते हैं? इतनी पुरानी है इधर, वैसे भी डर लगता है किसी को अंदर जाने के लिए, क्योंकि इसको कोई एतबार नहीं है। हाँ, ये हालत इसी खराब है, क्योंकि इनका कोई वारिस वगैरह नहीं है जो आता हो। शायद आते भी हों तो मैं तो इधर काम कर रहा हूँ, मुझे तो इतनी। अच्छा, सही सही। वैसे इधर जो आदमी रहते हैं उनको पता होगा। ठीक होगा, क्योंकि मैंने किसी भी कब्रिस्तान में इस तरह की चीज नहीं देखी, मैंने खुद नहीं देखी। हाँ, बार पेशाब और भी बहुत इलाके में गए हैं जी, इस तरह की नहीं देखी मैंने। आप मेरे ना चिपक गए हैं, ये देख। जुनेद बाली साहब कज़न मेरे, ये भी इस्लामाबाद से आए हैं और मिलने जा रहे हैं एक दोस्त को। ये देखें सुल्तान भाई ने जो अफ्रीकन ग्रे अपने आँख पे बिठा लिए। सनी आप डर तो रहे होंगे? नहीं नहीं भाई, आपकी शक्ल तो ऐसे डरी डरी सी लग रही है। ये खाता क्या है? सूरजमुखी का बीज, बस। और बाकी सेब शेब ये भी काटते हैं। ये चीज ये देखें जी गाइस, तीन तीन पैरेट्स। साहब का रंग उड़ा है, एक आ रहा है एक जा रहा है। देखो ये चढ़ाद में बैठे उनका, ये उतर नहीं रहे। भाई ले जाओ यार, भाई उतारो इन्हें। भाई इनको ज्यादा छेड़ते नहीं है, काट। ये सनी ने अपने दो एडवोकेट बच्चे लिए, ये सुल्तान साहब को इनका शौक है, तो अभी आप देखें कि ये क्लोज करके, भाई क्लोज करके। माशाल्लाह, इनके सनी आपने क्या नाम रखने हैं? एक का नाम जोनी का तो होगा। बहुत प्यारे पर्शियन कैट्स हैं, माशाल्लाह, ब्लू आईज। ये बालियों वाला दारा है, हडाली का तारीखी एहसास है, ये डे बाई डे डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, इसका केयर टेकर ही कोई नहीं है। हडाली वालों को इसके ऊपर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए कि आप आने वाली अपनी नस्लों को कुछ अच्छा पॉजिटिव दिखा सकें, कि हम अपने बाप अजदाद का, हम अपनी हिस्ट्रीज को इतना संभाल के रखते हैं। और हडाली में सिर्फ ये एक दारा नहीं है, और भी काफ़ी दारे हैं, उन सब की यही कंडीशन है जी। गाइस, आपका भाई पहुंच चुका है अपनी दादा बू की हवेली में। ये मेरा अबाई गांव भी है, इसमें मेरा अबाई घर भी है। दादा बू की ये हवेली है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये हमारा अबाई घर है इधर हडाली में। तो ये माशाल्लाह से चार कनाल की हमारी हवेली है हडाली में, और खुशी गमी कोई भी हो यहाँ पर ही आकर हम लोग रहते हैं। यहाँ पर काफ़ी सफ़ेदे के दरख्त लगाए हैं, क्योंकि ये एक तो सेम वाली जगह है, और सेम वाली जगह पे आपको पता है कि सफ़ेदे का दरख्त जो है वो बड़ा मुफीद होता है पानी को सक करने के लिए। एक दिन में 25 गैलन पानी जो है ये सफ़ेदे का दरख्त पीता है। तो जिस एरिया में पानी ज़्यादा खड़ा हो ना, वहाँ पे सफ़ेदा लगाना चाहिए, सफ़ेदा जो है वो पानी को सक कर लेता है।
ये डॉग बैठा है और मैं इसके बिल्कुल पास नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके साथ मेरी बिल्कुल दोस्ती नहीं है। और मुर्गियां फिर रही हैं, हवेली में घास जो है वो इस वक्त बढ़ चुका है क्योंकि आपको पता है यहाँ पर हम लोग रहते नहीं हैं, तो काफ़ी जो है यहाँ पे केयर की ज़रूरत होती है। तो अगर बंदा यहाँ पे रहता हो तो फिर तो सही बात है कि घास जो है टाइमली कटता रहता है, लेकिन अभी वो सिस्टम नहीं है। जहाँ पे जो रह रहे हैं वो फिर उस हिसाब से अपनी मदद आपकी काट लेते हैं जब टाइम लगता है। ये टैंकी रखी हुई है, माशाल्लाह से चार कनाल की यह हवेली है और इसमें कवर्ड एरिया जो है वो हमारा बिल्कुल थोड़ा सा है, 6-7 रूम्स बनाए हुए हैं जो अपनी ज़रूरत के मुताबिक है, बाकी ये सारी जो है वो ओपन पड़ी हुई है। यहाँ पर ही शादी हो तो टेंट वगैरह लग जाते हैं। राशन रखा हुआ है। अच्छा राशन साथ रखा हुआ है, ये ऊपर से डालेंगे तो ये बाकी पानी को उठाना शुरू कर देगा, प्रेशर बनेगा इसका। हाँ हाँ अब आने लगा हमें लगा। जबरदस्त मोटर भी चलती है। अच्छा मोटर से तो फिर सही प्रेशर से आता होगा। ये पौधों को पानी लगाते हैं ना इसी इधरी से पौधों को लगेगा है? ये इस नलके से लगाते हैं पौधों को पानी, पानी से लगता है। अच्छा पड़ी है ना वो एक क्लोज करके रख देते हैं ना क्योंकि गर्मी में खराब हो जाता है, वो क्लोज करके रख देते हैं फिर चलाने के बाद फिर वो लगा दे। सही सही बच्चे आते हैं तो अच्छे नहीं होते। हाँ जी चल रहा हवेली के एंट्रेंस का है, वैसे तो 3 गेट इसको लगते हैं लेकिन ये गली है। ये वाली द्वार सारी हमारी हवेली की है, ये भी ये सारी द्वार, ये जो सामने गेट देख रहे हैं ये भी हमारी हवेली का गेट है। पहले मैं गाड़ी जो था यहाँ से लेकर आता था, ये सामने मेन रोड से गाड़ी आती थी और सीधी अंदर चले जाती, ये द्वार इन्होंने लगा के ना बंद कर दिया रास्ता। ये भी हमारी हवेली की द्वार है। ये हवेली के बाहर वाली साइड है, ये सामने इधर से लेके ये इस घर की दीवार तक हमारी हवेली है। ये जो दरख्त लगे हुए हैं सारी हवेली के दरख्त हैं। आगे मैं नहीं जा रहा क्योंकि आगे बहुत गंद सा है और ये बकरे बैठे हुए हैं और ये सामने पानी वगैरह है। ये हवेली के बाहर का व्यू है लेकिन रात को बड़ा ख़तरनाक व्यू नज़र आता है कि एक शहरी बंदा डर जाता है। सोनू क्या कर रहे हो? ये थी हवेली की एक साइड, अब आपको मैं हवेली की दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ। ये हवेली की दीवार ही है साथ साथ डैमेज होती जा रही है इसकी, आपको पता है कि बंदा जब तक सर पे मौजूद ना हो तब तक इतना भी खास हिफाजत के लिए भी बंदा होना ज़रूरी होता है। ये इस हवेली की दीवार ही है अभी तक और यहाँ से ये गाड़ी खड़ी है। अच्छा गाड़ी को अंदर लाना बड़ा मुश्किल काम है, इसका टर्न लेना ना नहायत मुश्किल काम है क्योंकि छोटी गली है लेकिन आ जाती है मुश्किल से। ये दीवार जो है ये
हवेली की दीवार है, ठीक है। ये सामने वाली जो दीवार है ये भी हमारी हवेली के जो दरख्त लगे हैं हवेली के अंदर लगे हैं। चार कनाल की माशाल्लाह से हवेली है, लेकिन इसको कवर्ड करना ना, हमने खैर अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है इसको कवर्ड किया। यूं ही गाड़ी रिवर्स जाती है और आगे से बड़ी मुश्किल से टर्न लेके तो फिर हम बाहर मेन वाली साइड पे निकलते हैं। और जो सा रास्ता मैंने आपको बताया ना कि द्वार लगा के बंद कर दिया गया, वहाँ से अगर गाड़ी हो तो गाड़ी फिर पूरी हवेली के अंदर चली जाती है, वो ज़्यादा इजी होता है। लेकिन वो रास्ता ना पानी की वजह से ख़राब हो गया है, तो वो डर होता है कि गाड़ी कहीं सेम में ना गिर जाए, इस वजह से उन्होंने वो दरवाजे कुछ बंद कर दिए ईंटों ही लगा के ना, तो बंद कर दिया बिल्कुल। अब हम लोग ये वाला डोर जो है हवेली का यूज़ करते हैं अंदर आने के लिए। एक साइड ये मजोया साहब बैठे हुए हैं और फिर एक साइड ये रूम्स हमने स्टोर बनाए हुए हैं, इनमें हमने सारा जो है वो सामान रखा हुआ है। जब यहाँ पर रहने के लिए आते हैं तो इन डोर्स को खोल के तो बिस्तरे, चादरें, चारपाइयाँ और जितना भी एक रहने के लिए सामान ज़रूरी होता है वो इन सब रूम्स में पड़ा हुआ है। और वो जो आगे रूम्स हैं वो हमने रेंट के पर दिए हुए, जो केयर भी करते हैं हवेली के और सारे देखभाल करते हैं उनका स्टे किया हुआ वहाँ पर। छोटे होते हुए मैं यहाँ पर आता था और नहाता था, जब भी अडाली आना लाहौर से इधर आना मेरे कज़न वगैरह हम सारे यहाँ पर आते थे और नहाते थे। और वो एक कज़न मेरा ये फिर रहा है जिसके साथ मैं नहाता था। ये गांव है जी अडाली, ये जगह का नाम है झुग्गी। अभी खेतों को जा रही है और ये दूसरी साइड पे भी जा रही है। सारा गन्ना लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं जो बगला बगला। क्या नेचुरल माहौल है यार, वो देख कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है। आपको तो मैं पहले इतनी कर दूंगा। हाँ, ये जो जगह है इन्होंने शेयर की ना, ये वापस ले लेते हैं। ये इधर दिखा, ये तो सेम है वैसे ही सेम। वाओ, ये सारा कच्चा रास्ता, इससे मैं आगे आपको लेके नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पे ना आगे सारा कीचड़ है और गाड़ी जाएगी फंस, और फिर उसके बाद ट्रैक्टर मंगवाना पड़ेगा। तो ट्रैक्टर जो है मेरे पास इस वक्त नहीं है कि मैं किसी की हेल्प लेके तो गाड़ी को निकल, इसलिए मैं ये रिस्क नहीं ले रहा कि मैं आगे जाऊँ और गाड़ी वो कीचड़ में वो फंस जाए तो निकालनी मुश्किल हो जाएगी। ये सारी ज़मीन है जी माशाल्लाह से, इसके ऊपर फसल लगी हुई है
पानी भी इसको लगा हुआ है और टोटल हरियाली, कितना सुकून है कि आप यहाँ पर अगर थोड़ी देर के लिए आए ना और आपका वो जो जहन है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है बंदा। अल्लाह ताला की चीज़ों में ना बरकत है, ये नेचुरल चीज़ें हैं। और जो हम लोगों ने शहरी ज़िंदगी बनाई है ना वो टेंशन वाले माहौल में बनाई हुई है, तो यहाँ पे मुझे ना कम से कम अगर आप टेंशन में हैं तो यहाँ पर आएँ, आपकी सारी टेंशन रिलीज हो जाएगी, बड़ा फ्रेश फील करेंगे। और ना धुआं, ना शोर, ना शराबा, बिल्कुल परिंदे बोल रहे हैं, नेचुरल हवा है। हालांकि मैं यहाँ पे धूप है लेकिन इतनी वो गर्मी नहीं फील हो रही जो आपको शहरों में होगी, क्योंकि शहरों में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मुझे ना बड़ा रिलैक्सिंग माहौल और पुरसकून नज़र आता हूँ मैं। यहाँ से लेके और ये हमारा अड्डे पे प्लॉट है मेन जीटी रोड के ऊपर, लेकिन ये सिर्फ अभी प्लॉट है, इसकी चारदीवारी की है, इसको बनाया नहीं है। इंशाल्लाह ताला अन करीब कोई बिजनेस का प्लान बना तो यहाँ पर कोई होटल वगैरह बन सकता है, कोई प्लाजा बन सकता है, कोई इस तरह की ना मेन बिजनेस पॉइंट अच्छा सा बन सकता है। लेकिन इस हडाली को अभी थोड़ा सा डेवलप होने में तकरीबन 8-10 साल और लग जाएंगे। अगर ये डेवलप हो गया तो यहाँ पर इंशाल्लाह ताला फिर कोई बिजनेस किया जा सकता है। अभी यहाँ पे कुछ मार्केट्स बनी है लेकिन इतनी कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं है कि हम भी यहाँ पे प्लॉट पे कुछ बना डालें, लेकिन फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला ज़रूर काम आएगा। ये है जी डाकखाना हडाली, जितनी भी डाक आती है हडाली में पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस वो यहाँ पर आती है। काशिफ बाली साहब का घर है, काशिफ भाई जो कजन है मेरे टिकटॉकर काशिफ बाली का घर। सफीउल्लाह इधर लगा देते हैं।